तो गाइस ये है मेरा सोनी का सबवे वूफर। तो कुछ साल पुराना है ये, जब डीवीडीज और टेप्स का बहुत चल रहे थे मार्केट में। लेकिन आजकल तो डीवीडीज और टेप उतने चल नहीं रहे, और ना ही इसमें ऑक्स केबल के लिए इनपुट है और ना ही ब्लूटूथ इनेबल्ड है। तो ये काफ़ी दिनों से कोने में पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ कुछ नया किया जाए। इसमें ब्लूटूथ इनेबल करेंगे कुछ भी खोले बगैर। तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ब्लूटूथ रिसीवर की, ऑडियो इनपुट केबल्स की और एक ऑडियो स्प्लिटर की। तो ये तीनों चीज़ें आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगी, फिर भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा। आप प्लग इन कर लीजिए अपने डीवीडी प्लेयर को पावर से और ऑन कर लीजिए। उसके बाद ले आए अपनी सारी चीज़ों को और फर्स्ट ढूंढिए आपके डीवीडी प्लेयर पे जहाँ पर लिखा होगा वीडियो इनपुट। तो मेरे डीवीडी प्लेयर में सामने है, आपके पीछे भी हो सकता है। तो प्लग इन कीजिए अपनी तीनों केबल्स को, एक एंड से, और जो इसका दूसरा एंड होगा उसे आपको कनेक्ट करना है अपने ऑडियो स्प्लिटर से। तो जिस ब्लॉक कलर की केबल होगी उस ब्लॉक के अंदर आपको डालना है। डालने के बाद जो आपका ऑडियो स्प्लिटर होगा उसे आपको कनेक्ट कर लेना है ब्लूटूथ रिसीवर से, और आपको ब्लूटूथ रिसीवर को पावर करने के लिए पावर बैंक का यूज़ करना पड़ेगा। पावर बैंक ही नहीं, आप पावर अडाप्टर्स का भी यूज़ कर सकते हैं जिससे आप फ़ोन चार्ज करते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ उसको पावर देना है। तो मैं पावर बैंक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप जैसे ही इसे कनेक्ट करेंगे आपका ब्लूटूथ रिसीवर ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप ढूंढिए अपने डीवीडी प्लेयर पे वीडियो बटन को। जैसे आप उसे क्लिक करेंगे आपको वहाँ पर डीवीडी स्क्रीन पर दिखाई देगा वीडियो। तो इसका मतलब हम वीडियो के थ्रू आउटपुट ला सकते हैं। फिर ऑन कीजिए ब्लूटूथ को और कनेक्ट कर लीजिए अपने ब्लूटूथ रिसीवर से, और प्ले कर देखिए अपने म्यूज़िक को। तो म्यूज़िक प्ले होना चाहिए, अगर ना हुआ तो आप फिर से चेक कीजिए कहीं कोई केबल गलत तो नहीं है। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता हूँ।